दोस्तों आज बात करने वाले हैं विटिलिको की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ये बात करेंगे विटिलिको की, सफ़ेद दाग, जो कि एक जटिल और बेमुश्किल ठीक होने वाली बीमारी है। इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये विटिलिको सफ़ेद दाग मेरे उंगली से स्टार्ट हुआ था और होंठ पे आ गया था। तो इसको कैसे ये जल्दी ठीक हुआ है और क्या मैंने ट्रीटमेंट लिया है, बात करते हैं विटिलिको होने के कारण। तो अभी तक जितने भी अनुसंधान हुए हैं उसमें पाया गया है कि विटिलिको का कोई ठोस कारण अभी तक पकड़ में नहीं आया है और ये अज्ञात है एक तरीके से। लेकिन हर डॉक्टर का, हर जो अनुभवी डॉक्टर होते हैं उनका एक अलग तर्क होता है। और काफ़ी डॉक्टर से मैं मिला हूँ तो काफ़ी मानते हैं कि हमारे शरीर में जब मेलानिन तत्व तांबे की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से ये होता है। और काफ़ी जो हम तनाव वगैरह लेते हैं जिसकी वजह से, मानसिक तनाव की वजह से भी विटिलिको की समस्या हो सकती है। और खान पान के अंदर कुछ चीज़ें अगर हम गलत प्रयोग में ले लेते हैं तो उसके रिएक्शन से भी विटिलिको उत्पन्न हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण डॉक्टरों का मानना है वंशानुगत होता है, जो कि फॉरेन विदेशों में काफ़ी लोगों को ये आम होता है विटिलिको, क्योंकि उनकी जो चमड़ी वैसे भी वाइट होती है तो वंशानुगत होना। विटिलिको पे लोग लाखों रुपए भी खर्च कर देते हैं, कई बार सर्जरी भी कराने की आवश्यकता होती है, फिर भी ये विटिलिको आसानी से नहीं जाता, आगे बढ़ जाता है। लेकिन शुरुआती दौर जब होता है, इसका उद्भव होता है, उसमें आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, वो जो सफ़ेद दाग है सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हुआ था और इसकी फ़ोटो भी मैं अटैच में आपके लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद मुश्किल से अभी 1.5 महीना हुआ है और मैंने मेडिसिन स्टार्ट की थी और ये बहुत तेज़ी से आप देख डॉटेड बन चुके हैं और हल्की सी परत रही है, पूरा कलर स्किन का आ गया है। और ऐसे मैं लिप यहाँ पे बिल्कुल पास से आपको दिखाते हैं, अभी शेविंग कर नहीं कर रखी है मैंने, इसलिए आपको हल्का यहाँ पे होंठ का जो कलर है फट चुका था और यहाँ पे धब्बा होता और काफ़ी फैला था। इसकी भी मैं फ़ोटो अटैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। तो ये विटिलिको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, 1 महीने में आधा होंठ यहाँ से सफ़ेद हो गया था लिप, और ये उंगली भी यहाँ तक सफ़ेद हो गई थी। मैंने सोचा था अभी ठीक नहीं होने वाली है, तो मैंने आयुर्वेदिक के अंदर इसका काफ़ी अच्छा इलाज है और डॉक्टर ने मेरे को क्या दिया है, क्योंकि मैंने काफ़ी तरह का ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी लिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लास्ट में जो आयुर्वेद के अंदर बाकुची एक तेल आता है दोस्तों, ये बाकुची बिल्कुल करीब से आपको मैं दिखा देता हूँ, ये बाकुची तेल है। इसको सुबह शाम आपको जहाँ पर भी ये आपका विटिलिको है वापस को मालिश करना है। और दोस्तों बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआती स्टेज में काफ़ी जल्दी रिकवरी हो जाती है, बाकी अगर बढ़ने लग जाता है पूरी बॉडी को सफ़ेद कर देता है। और ये बाकुची तेल के साथ में एक बाकुची चूर्ण आता है, ये भी आप आयुर्वेदिक पतंजलि या जहाँ पर भी ये स्टोर होता है आयुर्वेद का, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो इसको तो तेल की मालिश करनी होती है और बाकुची चूर्ण जो 2-2 ग्राम लगभग सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना होता है। और सबसे मेन पॉइंट दोस्तों, क्योंकि मैंने सुना है कि लाखों रुपए खर्च किए लोगों ने फिर भी विटिलिको नहीं गया और कोई ट्रीटमेंट का फ़र्क नहीं हुआ, तो मैंने एक जो तांबे का जो लोटा होता है इसमें भी पानी भर रखा है, रात के समय भर देना है और 24 आवर्स जब भी आपको प्यास लगती है 2 लोटे आप ले लें और इसी का आपको पानी काम में लेना है। जो मेलानिन तत्व होता है तांबे के अंदर और ये जो बॉडी में इसकी कमी हो जाती है, तो फिर ये सबसे बड़ा कारण आज तक का सामने आया कि जिसकी वजह से विटिलिको सफ़ेद रोग बढ़ता है। तो ये तांबे का अगर आप पानी सेवन करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से रिकवरी होगी दोस्तों। ये दोनों चीज़ कॉमन है और इसके साथ तांबे का पानी लगभग 1.5 महीने से मैं इसी का सेवन कर रहा हूँ। और जैसा भी इसमें टेम्परेचर होता है, ठंडा नहीं हो तो भी इसी को लेता हूँ रात के समय, दिन के समय, तो काफ़ी तेज़ी से आप देख रहे हैं होंठ का जो कलर है वो भी वापस आया है। तो मेन तांबा, तो ये दोस्तों तांबे के अगर आप देखते हैं तो ये तांबा एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितने बैक्टीरिया होते हैं पानी के अंदर, तो ख़त्म करने की एक इसमें क्षमता होती है। जैसे ही तांबे के संपर्क में बैक्टीरिया वाला पानी भी आता है तो ऑटोमेटिक बैक्टीरिया मरने लगते हैं। और तांबा जो प्राचीन समय से, इसका आपने देखा होगा कि पुराने जो लोग होते हैं वो तांबे के लोटे के अंदर ही पानी पीते थे और जो अपने मटकी वगैरह होती थी पानी पीने का स्थान, वहाँ पर भी हम तांबे का ही प्रयोग करते थे। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है तांबे का, अगर आपके भी है तो आप मेरे कहने से एक बार तांबे के लोटे का पानी स्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे कि जल्द ही इन तीनों चीज़ों के प्रयोग से आपके जो विटिलिको या कंट्रोल हो रहा है वापस से डोटेड बनने लगेंगे। और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हमसे जुड़ सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ दोस्तों, और आप पर्सनली मेरे साथ जो हुआ है वो विटिलिको का ट्रीटमेंट, क्योंकि लाखों लोग दुखी हैं, जगह जगह जाकर परेशान हो रहे हैं इसके इलाज के लिए, देखो रिलीफ नहीं है। तो मैं पर्सनली मेरे साथ हुआ था, मैंने क्या मेडिसिन लिए, और आप अपने विवेक से काम लें, डॉक्टर से सलाह लें। बाकी कॉमन दवाई है, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में, डॉक्टर से पूछ सकते हैं। बाकुची
तेल और बाकुची चूरन और प्लस तांबे के लोटे का पानी। अगर आप इसका काम में लेंगे तो आप बहुत जल्द ही इससे आपको निवारण मिलेगा इस समस्या से। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो विटिलिगो से लैकोर की ये समस्या है, सफ़ेद दाग की है, इससे आपको निजात मिल सके और आप एक स्वस्थ जीवन जी सके। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।